इंग्लिश ग्रामर, उसी का चैप्टर है फिफ्थ, प्रोनाउंस। प्रोनाउंस हमने लास्ट टाइम इसका कुछ आगे वाले कुछ रूल्स थे वो मैंने आप सभी को बता दिए थे। आज हम वापिस से रिवाइज करते हैं कि प्रोनाउंस क्या होते हैं। शॉर्टली में हम कुछ वर्ड्स देखते हैं। आई है, यू है, ई है, शी है, वी है, या दे है, या फिर इट है, ये सभी क्या कहलाते हैं? प्रोनाउंस कहलाते हैं। अब हम देखते हैं कि ये कहाँ कहाँ पर यूज होते हैं। तो आई किसके लिए यूज होता है? अवर सेल्फ, यानी हमारे खुद के लिए यूज होता है। तो आई अवर सेल्फ के लिए यूज होता है। नेक्स्ट यू, तो यू का यूज कहाँ पर होता है? ऐसा कोई पर्सन या इंसान जिससे हम बात कर रहे हैं, यानी कि सामने वाला इंसान, उसके लिए क्या यूज होता है? यू। द पर्सन विद वी आर टॉकिंग, जिससे हम बात कर रहे हैं, ठीक है। नेक्स्ट है ही। ही किसके लिए यूज होता है? मेल वर्ड के लिए। किसके? मेल जेंडर के लिए यूज होता है। शी, शी किसके लिए? गर्ल्स के लिए यूज होता है। किसके लिए? ही बॉयज के लिए और शी गर्ल्स के लिए, या फिर फीमेल बोल सकते हैं। समझ में आया? नेक्स्ट है हमारा वी, यानी कि वी ऐसा मतलब वी का यूज वहां होता है जहां पर हम आई इसमें हम खुद भी इंक्लूड होते हैं। तो वहां पर किसका यूज होता है? वी का, यानी कि ऐसा वर्ड, सॉरी, ऐसा वर्ड या ग्रुप होता है, इंसानों का ग्रुप होता है, वहां पर किसका यूज होता है? वी का यूज होता है, लेकिन उसमें हम खुद भी इंक्लूड होते हैं। नेक्स्ट है हमारा दे, तो दे भी किसी ग्रुप के लिए यूज होता है, लेकिन उसमें हम खुद इंक्लूड नहीं रहते, यानी कि वे टॉक या फिर वे खेल रहे, तो हम किसका यूज करेंगे? दे आर प्लेइंग, ऐसे उसमें हम खुद इंक्लूड नहीं है। नेक्स्ट है इट, तो इट किसके लिए यूज होता है? किसी थिंग्स के लिए या फिर किसी एनिमल्स के लिए इट का यूज होता है। किसके लिए यूज होता है? एनिमल्स या फिर किसी थिंग्स के लिए। समझ में आया? इसके यूज बहुत ही इजी है, आप एक बार वापिस देखेंगे तो आपको अच्छे से समझ में आएगा ना। अब हम इसी के कुछ एक्सरसाइज देखते हैं। फर्स्ट एक्सरसाइज हमारा फिल इन द ब्लैंक्स विद द करेक्ट प्रोनाउंस। क्या करना है? ब्लैंक्स को फिल अप करना है करेक्ट प्रोनाउंस के अकॉर्डिंग। तो हमारे फर्स्ट सेंटेंस है ब्लैंक्स है, फिर है ब्रैकेट में क्या है? ही एंड यू, फिर है आर अ गुड वर्कर। तो हम एक रूल्स एक और भी सीख लेते हैं कि ही के साथ हमेशा सॉरी वो क्या वर्ड आता है? इज आता है, और यू के साथ हमेशा आर आता है। तो अभी मैंने बताया आप सभी को कि यू के साथ हमेशा क्या आता है? आर आता है। तो हमारे यहाँ पर ब्लैंक्स में क्या आएगा? यू। क्या आएगा? यू। तो क्या बन जाएगा सेंटेंस? यू आर अ गुड वर्कर। समझ में आया? नेक्स्ट है हमारा सेंटेंस है रिंकू एंड आई प्ले हाइड एंड सीक। फिर है यहाँ पर मैंने बोला था कि जिसमें हम आई या आई जो वर्ड होता है वो भी इंक्लूड होता है, यानी कि हम खुद भी उसमें इंक्लूड होते हैं। तो यहाँ पर क्या है? आई, यानी कि हम खुद, हमारे खुद के लिए। तो यहाँ पर क्या आएगा? वी। क्या आएगा? वी। समझ में आया? फिर है तो क्या है? आई, सॉरी, रिंकू एंड आई प्ले हाइड एंड सीक। फिर मैंने बोला ही आप सभी को कि आई इसमें इंक्लूड हो रहा है, तो यहाँ पर हम क्या लिखेंगे? वी। फिर सेंटेंस बन जाएगा वी हैव अ लॉट ऑफ फन, हमने बहुत सारा मजा किया। फिर है कम एंड प्ले विद, तो या फिर यहाँ पर हम क्या लिखा हुआ है? कम एंड प्ले विद, तो विद वी नहीं आएगा, यहाँ पर क्या आ जाएगा? अस, यानी कि हमारे साथ खेले। समझ में आया आप सभी को? नेक्स्ट हम पढ़ते हैं, नेक्स्ट वाली एक्सरसाइज है हमारी फिल इन द ब्लैंक्स विद द करेक्ट प्रोनाउंस। इसमें भी क्या करना है? करेक्ट प्रोनाउंस के अकॉर्डिंग क्या करना है? ब्लैंक्स को फिल करना है। तो हमारे फर्स्ट वाली सेंटेंस देखते, पूजा वांट्स अ बुक, गिव दिस बुक टू, तो यहाँ पर क्या करते हैं? तो पूजा वांट्स अ बुक, गिव दिस बुक टू, तो यहाँ पर शी नहीं आएगा। शी का मतलब होता है यानी कि वह, लड़की के लिए वह, और हर का मतलब होता है उसे, यानी कि लड़की के लिए। तो यहाँ पर क्या आएगा? हर। समझ में आया? नेक्स्ट है हीरा एंड सैम आर माई फ्रेंड। तो हीरा एंड सैम किसके फ्रेंड है? मेरे फ्रेंड है। तो यहाँ पर ब्रैकेट में क्या है? वी एंड दे। फिर है आर गुड बॉयज,
तो यहाँ पर एक सस्पेंस है, वी के साथ भी आर आ सकता है और दे के साथ भी आर आ सकता है, लेकिन ये दोनों क्या है, इसमें आई इंक्लूड नहीं है। क्या है? आई इंक्लूड नहीं है, तो यहाँ पर वी नहीं आएगा, वी नहीं आएगा और दे आएगा, क्योंकि दे में वही होते हैं जैसे कि आगे वाले। दे का मतलब हिंदी में बोल सकते हैं हम वे, तो वे में हम तो इंक्लूड नहीं हो सकते, तो वी में हम इंक्लूड होते हैं और दे में हम इंक्लूड नहीं होंगे। और यहाँ पर हीरा एंड सैम आर माय फ्रेंड्स, तो दोनों किसी और लड़कों के नाम है, तो यहाँ पर क्या आएगा, आई वर्ड जो इंक्लूड नहीं है तो वी तो आएगा ही नहीं, तो नेक्स्ट क्या आएगा, दे। क्या आएगा? दे। समझ में आया? नेक्स्ट हमारी एक्सरसाइज है, रीराइट द फॉलोइंग सेंटेंसेस यूजिंग अप्रोप्रिएट प्रोनाउंस। अब हम देखते हैं कि ये कैसे करते हैं। तो फर्स्ट हमारा सेंटेंस है, हरी टेक्स द बस टू स्कूल। तो यहाँ पर नेमिंग वर्ड यानी कि नाउन क्या है, हरी। तो हरी क्या है, एक लड़का है यानी कि बॉय है या फिर आदमी है, तो आदमी के लिए क्या कौन सी प्रोनाउन का यूज होता है, ही। किसका यूज होगा? ही। तो यहाँ पर हम लिखेंगे ही। फिर एज इट इज ये सेंटेंस ऐसा का ऐसा लिख लेंगे, बस टू स्कूल, तो इसका क्या बन जाएगा कि ही टेक्स द बस टू स्कूल। समझ में आया? नेक्स्ट है द गर्ल्स आर प्लेइंग अ गेम। तो गर्ल्स क्या कर रही है, गेम खेल रही है, यानी कि गर्ल्स बहुत सारी है, उसमें हम इंक्लूड नहीं है। अगर हम इंक्लूड होते तो हम क्या लगाते, वी लगाते। अगर हम इंक्लूड नहीं है तो वहां पर क्या लगेगा, हाँ क्या लगेगा, दे। तो यहाँ पर हम लिखेंगे दे, द गर्ल्स का दे बन जाएगा। फिर एज इट इज ये सेंटेंस ऐसा का ऐसा उतार देंगे, तो क्या बन जाएगा, दे आर प्लेइंग अ गेम। नेक्स्ट है हमारा माई हाउस इज बिग। तो मैंने आप सभी को बताया था कि कोई थिंग्स होती है या फिर कोई एनिमल्स होते हैं, इनके लिए किसका यूज होता है, इट का। किसका? इट का। तो यहाँ पर माई हाउस की जगह क्या होगा, इट, फिर इट इज बिग, तो क्या बन जाएगा, माई हाउस इज बिग, उसका क्या बन जाएगा, इट इज बिग। समझ में आया? बहुत ही इजी था ना। इसी तरह हमारे चैनल को सब्सक्राइब, लाइक, शेयर करना भी ना भूले। मिलते हैं नेक्स्ट टाइम। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो। If you like the video, please subscribe our channel and press the bell icon for another updates. Thank you.